मन कैसे बनता है मन पर ही सब कुछ दारो मदार है मन ही पीड़ा देता है मन ही सुख देता है जब उलझा रहता है तो पीड़ा देता है जब सुलझा रहता है तो सुख देता है तो मन बनता कैसे है मन बनता है व्यवहार से मन आकाश से टपक नहीं पड़ता है जो लोग कहते हैं कि मेरे मन में ये बात नहीं थी मुख से निकल गई जब मन में नहीं थी तो मुख से कैसे निकल गई मन में जो नहीं रहेगा वो मुख से कैसे निकल जाएगा कोई कहे कि मेरी पेटी में ये सामान नहीं था लेकिन निकल आया ये असंभव दोषयुक्त कथन है पेटी में सामान था तब पेटी खोलने पर वो निकला हाँ ये कह सकते हैं गलती की मैंने असावधानी की हड़बड़ी में कहा बिना सोचे कहा मुझसे भूल हो गई ये कहना चाहिए मेरे मन में नहीं था कहना झूठ है मन में था अज्ञान से था बेसमझी से था इसको स्वीकारना कोई बुरा नहीं किसमें अज्ञान नहीं हमारे आप में सब में अज्ञान है और अज्ञान का सिग्नल हमारा व्यवहार है और ज्ञान का भी सिग्नल चिन्ह हमारा व्यवहार है जब हम अंदर से अज्ञान ग्रसित होते हैं तो कुछ ऐसा बोलते हैं और ऐसा करते हैं और जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो उस ढंग से बोलते और करते हैं इसलिए मन में नहीं था और निकल आया ये झूठ है मन में था भूल से था बेसमझी से था असावधानी से था ये कह सकते हैं और ये कहना कोई बुरा नहीं है, अपनी तोहही नहीं है हमारे व्यवहार से मन बनता है इसलिए सदगुरु कबीर ने व्यवहार मात्र को पूजा कहा है जो कुछ करो सो पूजा जो करता हूँ ये पूजा है ये छोटी बात आप मत समझ लीजिए जो कुछ करो सो पूजा अगर आप नाली साफ करते हैं तो मन लगा के साफ कीजिए और पूजा तो नाली साफ करना तो जो पूजा है उससे भी बड़ी बड़ी पूजा है क्योंकि स्वच्छता ही ईश्वरत्व है ब्रह्मत्व है श्रेष्ठत्व है बाहर की स्वच्छता भीतर की स्वच्छता तो नाली साफ करना छोटा काम कैसे होगा काम जो कुछ भी है ऐसा काम ना हो जिससे दूसरे को पीड़ा हो ऐसा काम ना हो जिससे कि अपनी इंद्रिय और मन में लंपटता हो गलत काम के दो ही लक्षण हैं अपना इंद्री नमपट हो और दूसरे को पीड़ा हो ये गलत काम है जिसमें मन इंद्री का संयमन हो और दूसरे के लिए तकलीफ ना हो किंतु दूसरे के लिए सुख सुविधा हो ये काम पुण्य का अच्छा है <coughs> तो हमें अपने पूरे कर्म को पूजा समझना चाहिए विश्वास श्रद्धा व्यवहार बर्ताव जिसे परिवार की बात है बड़ों लोगों के प्रति श्रद्धा छोटों के प्रति करुणा स्नेह बराबर में प्रेम ये भाव बुनियाद है व्यवहार की शुद्धता का और ये तीनों एक ही चीज है जैसे एक धातु से सोना से कंगन कंठा कुंडल क्यूर करधनी ये सब बना लिया जाए वैसे एक मन के कोमल भाव से ये तीनों बनते हैं श्रद्धा स्नेह और प्रेम जब हम अपना मन का कोमल भाव बड़ों के प्रति समर्पित करते हैं तो उसका नाम है श्रद्धा और छोटों के प्रति जब हम कोमल भावना प्रकट करते हैं तो उसका नाम है स्नेह और बराबरी वालों के लिए जब करते हैं तो उसका नाम है प्रेम तो बात एक है <coughs> श्रद्धा प्रेम स्नेह एक ही बात है एक ही धातु है एक ही पदार्थ है चित्त की कोमलता ये व्यवहार की बुनियाद है अच्छी बुनियाद है बड़ों के प्रति अनादर छोटों से घृणा परस्पर में ईर्षा द्वेष ये खराब व्यवहार की बुनियाद है ऐसे पूरा जीवन नरक बनता है मन खराब हो जाता है और खराब मन द्वारा जितना किया जाता है खराबी बढ़ती है मन की खराबी से गलत काम करते हैं गलत काम से मन की खराबी और बढ़ती है क्योंकि करने के संस्कार इकट्ठे होते हैं खमीर कुछ गीली वस्तुओं में खमीर उठता है हमारे मन में भी खमीर उठता है जो हम कर्म करते हैं उसमें खमीर उठता है किसी दिन भूल हो जाए कुछ बोलने में बरतने में तो मन चैन से नहीं रहेगा भले हम अहंकार करें अपने मन को समझाएं इससे बड़ी बड़ी गलतियां लोग करते हैं बड़े लोग करते हैं हम ही थोड़े लेकिन अंतरात्मा क्षमा करती ही नहीं आप झुठलाते रहो अपने को बड़े लोग गलती करते हैं तो वो भोगेंगे छोटे लोग गलती गलती करते हैं वो भोगेंगे आप करते हैं तो आप भोगेंगे बड़े लोग गलती करते हैं तो उससे आपका दुख दुख थोड़े हो जाएगा बड़े लोग गलती करते हैं वो भी गलत है छोटे करते हैं वो भी गलत है आप अपने को देखिए अपनी कमाई आपको न माई ना बाप को बड़ों के प्रति श्रद्धालु होना चाहिए माता पिता और गुरु माता पिता व्यवहार में हैं परमार्थ मार्ग में गुरु हैं माता पिता का अगर गलत स्वभाव भी है तो भी उनमें श्रद्धा रखना चाहिए माता पिता बदले नहीं जा सकते गुरु बदले जा सकते हैं गुरु गलत हैं तो छोड़ा भी जा सकता है यद्यप गुरु का भी उद्धार करने वाले लोग हुए हैं इतिहास सिद्ध पुरुष गोरखनाथ जी महाराज जब उनके गुरु मत्सेंद्र नाथ जिसको हम सरल भाषा में मच्छंदर नाथ कहते हैं वैसे लंका लंका कहा जाता है लंका नहीं ये कामरूप आसाम का क्षेत्र होगा मैंने व्याख्या में कुछ ऐसा संकेत किया है सिंघल हो में बोरी हो साहेब ने कहा सिंघल लंका की प्रसिद्धि थी तो साहब ने भी सिंघल कहा और आसाम होना चाहिए वे वहाँ गए और रानियों में वो उलझ गए अमरोली बजलोरी क्रिया योग में महाभ्रष्टता है ऐसा वो साध लेते हैं योगी कि अपने पेशाब इंद्री द्वारा पानी खींच लेते हैं तेल खींच लेते हैं मधु खींच लेते हैं और वे अगर स्त्री संयोग करें तो अपने वीर्य को स्तंभित कर सकते हैं अस्खलित ना हो ऐसा कहते हैं अब वो जाने हम लोग तो उसको लिखते पढ़ते भर हैं लेकिन ये महाभ्रष्टता है उसके ग्रंथ में कहा गया है, योग प्रदीप प्रदीपिका में कि ये बड़ी ऊंची साधना है ऊंची साधना है क्या है संयम से रहना चाहिए उपनिषद की ऋषि ऐसा कभी नहीं कहते वेद की ऋषि भी ऐसा नहीं कहते कभी साहब ऐसा नहीं कहते हैं और तमाम संत ऐसा नहीं कहते ये हठ योग में पता नहीं कहाँ से अमरौली बजरौली आ गई इसको ऐसा देते रानियों में लिप्त हो गए गोरखनाथ जी महाराज को पता लगा वो गए तो वहाँ तो इतना पहरा था कि कोई जा नहीं सकता था जिस बाग में वो रहते थे भवन में चार दीवारी के बाहर से जाग मछंदर गोरख आया उन्होंने गीत गाया गीत बनाया और गाया और दो पद मैंने रखा है बीजक व्याख्या में जहाँ ये है बड़ा मार्मिक गुरु जी आप क्या कर रहे हैं ऐसा योग न कीजिए बहुत तो उन्होंने झकझोरा है और उनकी नींद खुल गई और सुने और वहां से निकल आए और बच गए फिर से संभल गए तो गोरखनाथ जी की विशेषता कि गुरु से घृणा नहीं कर लिए और उन्होंने गुरु का उद्धार किया और मछंदर की विशेषता कि शिष्य की बात को सुन करके उसकी अवहेलना नहीं की और उनकी बात माने और निकल आए अपने को फिर से प्रतिष्ठित कर लिए साधना में ये कथा आती है गोरखवाणी में यह है गोरखवाणी से मैंने उद्धृत किया है तो ऐसे भी साधक संत हुए हैं उच्च कोटि के गोरखनाथ जी महाराज हठ में हैं और उन्होंने अपने गुरु का उद्धार किया घृणा नहीं की लेकिन ये बानक हर जगह नहीं बनती हर योग्यता भी नहीं होती है और गुरु अगर गड़बड़ है तो ठीक है उससे जो निर्देश मिला है वो पूछ आदरणीय है और उसके लिए वे भी आदरणीय हैं, लेकिन गुरु बदला जा सकता है क्योंकि वर्तमान में अच्छे गुरु की शरण के बिना अपना कल्याण होगा नहीं खाली किताब पढ़ने से नहीं होगा जान लेने से नहीं होगा एक समर्थ आधार चाहिए गृहस्थों को भी चाहिए जो बिल्कुल विरक्त हो गए हैं उनके लिए तो महान आवश्यक है तो अपने घर में है अपने बहुत प्रापंचिक कार्य में है लेकिन उसके साथ साथ अच्छे गुरु के आधार में है तो अच्छा है और जो विरक्त है वो तो घर छोड़ करके उसी के लिए निकला है अच्छी संगत में अगर नहीं रहेगा तो उस दशा में कैसे ठहरेगा तो गलत गुरु गुरु छोड़ करके अच्छे गुरु की शरण जाया जाता है लेकिन माता पिता को छोड़ना असंभव है माता पिता से तो हम जन्मे हैं और बदले नहीं जा सकते हैं इसलिए माता पिता में अगर त्रुटि है तो भी श्रद्धा रखनी चाहिए माता पिता ने जन्म दिया है पाला पोसा है सेवा की है तो उनकी त्रुट देख करके उनसे घृणा नहीं होनी चाहिए गुरु हर प्रकार के गुरु होते हैं जिस गुरु से जितना मिला हो उनका उपकार मानना चाहिए लेकिन अपने काम की पूर्णता के लिए पूर्ण सदगुरु की शरण चाहिए गुरु और सदगुरु में फर्क है एक एक विषय का ज्ञान देने वाला गुरु कहलाता है सदगुरु वह है जहाँ से सारी भ्रांतियाँ कट जाए सदगुरु मिले तो जाए जिम संशय ब्रह्म समुदाय गोस्वामी जी ने कहा कबीर साहब ने कहा जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल था आंख न सूझे बावरा घर जरे घुर बुताए तो सदगुरु की जरूरत है यहाँ संदर्भ यह है कि माता पिता मित्रुट भी हो तो भी उनको छोड़ा नहीं जा सकता गुरु मित्रुटि है और विघ्न कर रहा है साधना में तो छोड़ा जा सकता है साफ सुथरे गुरु के पास जाया जा सकता है लेकिन दूसरे माता पिता के साथ तो नहीं जाया जा सकता है जो अपने माता पिता हैं वही है तो माता पिता के श्रद्धा गृहस्थी में बहुत जरूरी है आज ये घट रही काफ़ी घट रही ऐसा नहीं कि सब शून्य हो गया है और अब मातृत्व और पितृत्व भावना नहीं रह गई ऐसी बात नहीं लेकिन बहुत घट गया है इतनी लापरवाही हो गई है कि अच्छे अच्छे संपन्न घरों में माँ बाप बिलबिला रहे हैं भोपाल में जब वृद्धा आश्रम में मैं प्रवचन करने गया पहली बार कई बार जाता हूँ जाना पड़ता है गांधी भवन से ही जुड़ा है और उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी वर्ग के लोग रखे जाते हैं गांधी भवन से है तो प्रवचन हुआ और सब प्रसाद वितरित किया और जो बिस्तर पर ही थे नहीं उठ सकते थे उनको वहाँ जाके दिया एक ईसाई बुढ़िया थी जब गया उसके पास दिया मगन हो गई एकदम नाच उठी तो मैंने प्रवचन में कहा कि भाई वृद्धाश्रम के अधिकारियों और सेवा करने वालों की तो विशेषता इनकी प्रशंसा करनी चाहिए लेकिन इतने वृद्ध और वृद्धा जो यहाँ इकट्ठा हैं ये कोई शुभ लक्षण गृहस्थी का नहीं है ये लोग दूसरे के माँ बाप को पाल रहे हैं प्रेम से और लोग अपने माँ बाप को न पाल पाए कितने पढ़े लिखे लोग अफसर हैं औला करके वहाँ रुपया कुछ दे दिए ओके आप रखिए सेवा नहीं करना चाहते हैं तो ये गिरावट काफी आ रही है लेकिन उन बच्चों को समझना चाहिए यही दशा हमारी होगी ये हो तो क्रम है जो आप अपने मां बाप के लिए करेंगे आपके बच्चे आपके लिए करेंगे अपने बच्चों के लिए हम करते हैं मां बाप के लिए नहीं तो आपके बच्चे वही करेंगे आपके लिए नहीं करेंगे अपने बच्चों के लिए करेंगे जैसा रांचा ढांचा है उस ढंग से वही सब हो रहा है पश्चिमी देशों में पहले होता था आवाज भी हो रहा है और विकृति हो गई है वही सब अब यहाँ हो रहा है बढ़ रहा है अभी आचरण से बदलेगा खाली कहने से नहीं बदलेगा आचरण करना शुरू करें तब बदलेगा गुरु के प्रति श्रद्धा सदगुरु प्रति श्रद्धा संतों के श्रद्धा अगर कोई न रखेगा तो भगत तो डूबे गृहस्थी में है ये है कालिक में और डूब जाएगा और जो विरक्त बन के आया है वो तो तलवार की धार पर है संत गुरु, तो तो अच्छा गुरु के प्रति श्रद्धा हटाएगा तो वो फिर गड्ढे ही में जाएगा गृहस्थ तो एक अपने स्तर में है जहाँ है तहाँ है अच्छा बुरा जितना बन सकता है करेंगे लेकिन साधु साधु गुरु के प्रति श्रद्धाहीन हुआ तो उसको तो रसातल ही जाना है इसलिए श्रद्धा की जरूरत है बड़ों के श्रद्धा छोटों के लिए स्नेह छोटा बड़ा एक व्यवहार है मूलतः कोई छोटा बड़ा नहीं है वेद का जो मृतों का वर्णन है मुझे बड़ा अच्छा लगता है मर्तों के विषय मैंने अलग संदर्भ ही लिखा है 121 संदर्भों में वेद क्या कहते हैं ये तो गत वर्ष में भी आपके सामने आई गया है तो अब इस समय दूसरा संस्करण चल रहा है मरुत सात लिखा है तो सात सतें वंचास मान लिया गया आगे वंचास मरुत और ये माना जाता है लिखा है उसमें कि मरुत कोई छोटे बड़े नहीं है वो सब भाई हैं और ज्येष्ठ कनिष्ठ और मध्य कोई नहीं है सब बराबर है सब बराबर रहते हैं वो खेलते हैं मरुति हवा है हवा खेलती है तो इस प्रकार मरुत के प्रति जो धारणा है वेदों में बड़ी सुंदर हमें लगती है और ये बात बहुत अच्छी लगती है इसमें न कोई ज्येष्ठ है न मध्य है न कनिष्ठ है सब बराबर है मौलिक रूप में हम सब बराबर हैं हम सब मनुष्य हैं व्यवहारिक दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग शुद्ध चेतन हैं तो चेतन में विशेषता नहीं होती वो निर्विशेष होता है और मानवता में भी विशेषता नहीं होती वो निर्विशेष होता है निर्विशेष में प्रमाद नहीं होता है विशेष में ही सारा प्रमाद आता है मनुष्य हम मनुष्य आप मनुष्य बस मनुष्य अब जब एक चपरासी एक कमिश्नर है तो विशेष हो गया बस इसी में गड़बड़ी शुरू हुई एक गुरु एक चेला है विशेष हो गया इसी में गड़बड़ी शुरू हो गई लेकिन ये माने बिना चल भी नहीं सकता है चपरासी चपरासी है कमिश्नर कमिश्नर है गुरु शिष्य का संबंध है पिता पुत्र का संबंध है व्यवहार तो यही रहेगा लेकिन अंदर से सब समझें कि पुत्र का मतलब छोटा नहीं शिष्य का मतलब छोटा नहीं नीच नहीं पुत्र भी वही है शिष्य भी वही है जो माता पिता और गुरु हैं इसलिए विवेकवान कभी अपने को बड़ा मानते ही नहीं अपने को बड़ा मानना ही घोर अज्ञान है व्यवहार में अपना अप, अपना छोटा बड़ा माना जाता है और उसकी मर्यादा ठीक है छोटे के प्रति स्नेह और बराबर के प्रति प्रेम और तीनों का अर्थ है कोमलता सबसे कोमल, सब कोमल होकर के मिलना और ये बुनियादी बात अगर मन में है तो व्यवहार सब सुंदर होगा जब बड़े के प्रति हम श्रद्धा रखेंगे तो उस उसके प्रति हम उपेक्षा कैसे करेंगे अनदेखी बात कैसे करेंगे परस्पर में प्रेम रखेंगे तो स्वार्थ में पड़ करके छीना झपटी कैसे करेंगे स्वार्थ कैसे साधेंगे स्वार्थ सबका सदता है स्वार्थ साधने की बात अलग है स्वार्थ तो अपने आप सदता है देखो इतने लोग हैं सब सुबह जलपान किए हैं दोपहर को भोजन किए हैं अभी भी भोजन करेंगे सबका स्वार्थ सध रहा है अब इसी में हम लोगों में कोई चालाकी करे जाए भंडार में पहुंचे और बड़ा निकाल करके ज्यादा खा लिया तो उससे कोई फायदा भी नहीं नुकसान उस स्वार्थ साधा और जो देखा उसका मन खराब तई तस्मई उठा करके दो कटोरा पी लिया तो उसका स्वार्थ खराब और तबीयत भी खराब और लोगों में भी दृष्टि सबकी खराब क्या फायदा हुआ जो जिस स्वार्थ में लड़ाई होती है वो इन्हीं सब में होती है मूल स्वार्थ में लड़ाई है ही नहीं हम अपने को सामान्य रखें विशेष न माने व्यवहार में विशेष सामान्य होता है लेकिन अंदर से माने रहे हम सामान्य और सामान्य में दृष्टि रहेगी तो अहंकार नहीं आएगा शुद्ध चेतन में हूं अब शुद्ध चेतन की कोई क्या बढ़ाई है अभिलाष की बढ़ाई है जो बिल्कुल झूठ है अभिलाष कुछ है ही नहीं एक स्याही और कागज में लिख दिया जाता है काल्पनिक चिन्ह उसको अभिलाष कह देते हैं इस चेहरे को अभिलाष कह दिया गया कुछ दिन से जो मिट्टी है वो एक दिन विलीन हो जाएगी वो रहेगी नहीं कहीं दिखाई नहीं देगी तो एकदम झूठ है जो उसी को हम अपना मान लिए और जो मैं शुद्ध चेतन हूँ निर्विशेष उसका ख्याल नहीं सारा संताप इसी में है अभिलाष के आधार पर आप सभी नामों को समझ लें सभी नाम ऐसे है काल्पनिक हैं और मिथ्या हैं जो आपका अस्तित्व है आपकी सत्ता है शुद्ध चेतन है वो शुद्ध चेतन निर्विशेष है निर्विशेष में कोई प्रपंच नहीं इसलिए महिमा की बात ज़्यादा नहीं करनी चाहिए ज़्यादा बढ़ाई से ईर्षा भी शुरू होती है जब हम ज़्यादा बढ़ाई करते हैं तो दूसरे पक्ष में दूसरे लोग ईर्षा भी करते हैं इसलिए बहुत बड़ाई की जरूरत नहीं काम की जरूरत है काम करना चाहिए जहाँ बड़ाई दिखती है वहाँ से प्रेरणा लेना चाहिए और ऐसे हम भी काम करें बड़ाई बहुत ना करें महिमा महिमा करते करते विकृतियां बहुत आती हैं अधिक श्रद्धा हिंसा पैदा करती है जब हम अधिक श्रद्धा करते हैं तब दूसरे को समझ नहीं पाते कबीर साहब में अधिक श्रद्धा करें अन्य महापुरुषों को नहीं समझ पाएंगे महाराज राम में अधिक श्रद्धा करें अन्य पुरुषों को नहीं समझ पाएंगे यह नमूना हर जगह के लिए है एक में जहाँ अधिक श्रद्धा किए दूसरे को समझ नहीं पाएंगे श्रद्धा हमारी तरल होनी चाहिए जिससे दूसरों को भी समझ सकें हिंसा हमसे ना हो और धार्मिक क्षेत्र में बड़ी हिंसा होती है घोर हिंसा मानसिक हिंसा अपने गुरु को अपने महापुरुष को अपने पूज्य को आकाश में बैठा दिया जाता है और दूसरे को जमीन पर ला दिया जाता है घृणा की जाती है धार्मिक लोग तो यहां तक मानते हैं कि हमारे मत वाले स्वर्ग और मोक्ष में जाएंगे दूसरे लोग नरक में जाएंगे अथवा तो भवसागर में भटकते रहेंगे और कितनी झूठ बात है स्वर्ग नरक मत की चीज नहीं है स्वर्ग नरक मन की चीज है बंध मोक्ष मन की चीज है मन मैला है नरक है मन निर्मल है स्वर्ग है मन में मोह है बंधन है मन निर्मोह है मुक्त है ये व्यक्तिगत विषय हुआ है इसमें क्या करेगा संप्रदाय सारे एक सरणी है रास्ता है और सभी ने कुछ कल्याण का रास्ता दिखाया है और उसमें उलझन वाला भी है सुलझा वाला भी है काफी साफ वाला भी है काफी उलझा वाला भी है तो आप उसको विवेक करके परखिए देखिए और परख देख करके जो सही है उसको लीजिए लेकिन जिसको हम कम सही समझते हैं उसमें भी अच्छा और जिसके जिसमें हम बहुत सही समझते हैं अगर कहीं त्रुटि है तो वो भी संशोधनी है धर्म के क्षेत्र में बहुत कलेश होता है प्रथम कुंभ मैं संछाछट में किया हूँ हमारे बड़े गुरु भाई तपसी साहब थे जो ज्ञान साहब के गुरु थे उनका जन्म स्थान बस्ती जिले में था जहाँ मेरा शरीर जन्मा उससे चार किलोमीटर तीन किलोमीटर दूरी पर और कर्मस्थान उनका फतेहपुर जिला रहा है <coughs> उन्होंने छाछठ में कुंभ मेले में प्रयाग में लगाया मुझे भी निमंत्रित किया मैं महोबा की तरफ से था समाज सहित आया और प्रथम कुंभ देखा तो जहाँ जाऊँ तहाँ इतना खींचता भाषण में बस यही मोक्ष है यही स्वर्ग है हिंदू तो ज़्यादा मोक्ष कहते हैं स्वर्ग स्वर्गवरग को बहुत प्रतिष्ठित नहीं करते हैं जो गैर हिंदू हैं विदेशी मत हैं उनमें स्वर्ग ही सब कुछ है उनका तो था ही नहीं वहाँ हमारे यहाँ ही मोक्ष दूसरे यहाँ नहीं और मेरा अपना स्वभाव कवि सहायक विचारों के अनुसार अपने पंडाल में कहूँ समता वाली बात कहूँ तो एक विद्वान बराबर हमारे साथ आवे जाए सुने हमारे मत का नहीं था तो एक दिन कहा कि चारों तरफ पंडालों में जाता हूँ सब जगह मालूम होता है जैसे हो सवासी में नहीं है यहाँ आता हूँ तो शांति मिलती है एक ही जगह बड़े ज़ोर से हंसे और कहीं यहीं शांति मिलती है यहां पर पता लगता है कि सभी महापुरुषों का मूल्य इच्छाछट की बात है कबीर साहब हमारे सदगुर हैं लेकिन अन्य महापुरुष वे भी हमारे सिर पर हैं कोई गृहस्थ हैं कोई विरक्त हैं श्री राम श्री कृष्ण हजरत मोहम्मद ये सब गृहस्थ हैं संत ईसा तथागत बुद्ध महावीर स्वामी शंकराचार्य स्वामी इत्यादि ये सब विरक्त हैं लेकिन ये सब हमारे सिर पर हैं इन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है और इनके प्रति हम उदासीन हों, इतने में हिंसा है घृणा करें तो महा हिंसा है धर्म के क्षेत्र में इस बात पर लोग सोचें और प्रयोग करें तो धर्म का असली स्वरूप सामने आएगा एक तरफ धर्म कहते हैं आ एक तरफ हिंसारूपी महाधर्म करते संत ईसा का जो मूल्य है अगर उसका मूल्यांकन हम नहीं करते हैं निष्पक्ष हृदय से उदार होकर तो हिंसा करते हैं हजरत मोहम्मद की कुछ बातों को लेकर के उलझ जाना उनकी जो दृढ़ता थी उन्होंने जो एक ऐसे समूह को मोड़ा जो महाउफान शैतान में थे बहुत बड़ा काम किया तो उनका मूल्यांकन सही होना चाहिए ऐसे सभी महापुरुषों का मूल्यांकन होना चाहिए धर्म के क्षेत्र में ये बात आ जाए तो बड़ा आनंद हो धर्म का सही स्वरूप प्रतिष्ठित होगा श्रद्धा की बड़ी जरूरत है श्रद्धा स्नेह करुणा प्रेम ये बुनियादी चीजें हैं और मानव मात्र को समान समझने की बात निर्विशेष मनुष्यता निर्विशेष आत्मतत्व इस पर हमारी दृष्टि हो तो महिमा के चक्कर को छोड़ करके हम सही मूल्यांकन सबका कर सकेंगे और ईर्षा दोष का चांस इसमें घटता जाएगा ज़्यादा महिमा ज़्यादा बड़ाई ज़्यादा प्रतिष्ठा दूसरे तरफ ईर्षा शुरू करवाती है ज़्यादा महिमा करोगे दूसरे तरफ ईर्षा आरंभ होगी बहुत महिमा की क्या आवश्यकता है काम की आवश्यकता काम करें काम कम किया जाता है ऐसे भी लोग हैं जो अपने गुरु की बड़ी महिमा की है गुरु का आदर नहीं किए उनका आचरण नहीं ग्रहण किए मर जाने के बाद बड़े बड़ी, बड़ी अपने गुरु की बड़ाई करते रहे और जब तक जीवित रहे नफरत करते रहे घरों में भी ऐसी दशा है माँ बाप से बात नहीं करेंगे लेकिन मरते ही जो योजना बनाएंगे बड़े भोज का और दान का मालूम होगा कि बहुत बड़े भक्त और जीवित समय में पिता के पास बैठते नहीं थे तो इसलिए जरूरी है बुनियादी काम करने के मैं मूल स्थान पर आऊं व्यवहार से हमारा मन बनता है व्यवहार अगर कटु है तो मन कटु रहेगा आपाधापी की भावना है स्वार्थ जो अंधा स्वार्थ जिस स्वार्थ का मैंने उदाहरण दिया स्वार्थ सबका सत्ता है और वही जो गलत स्वार्थ है उसके लिए मैंने दो उदाहरण दिया गलत चीज खा लेना ज्यादा खा लेना ज्यादा हड़प लेना वो गलत है वही दुखदाई है सहज रहे सबको खाना पीना मिलेगा सबका ये प्रकृति सूनी नहीं हो गई है प्रकृत भोजन का अच्छे भंडार है भोजन का अर्थ केवल चावल दाल ही नहीं है जीवन में उपयोग होने वाली सारी चीजें और सबका भंडार है अच्छे भंडार है ये न कभी खत्म हुआ है न कभी खत्म होगा ये विश्वास कीजिए और हाथ पैर मारिए जहाँ है तहाँ परिश्रम कीजिए आलसी न रही भोजन की कमी नहीं होगी जीवन गुजर की वस्तुओं की कमी नहीं होगी व्यवहार हमारा सरल और पवित्र होगा तो मन सरल और पवित्र होगा सरल मन साधक का मुख्य लक्षण है कुटिलता है तो यह बहुत बड़ा बाधक है सरल मन होना चाहिए तैसा मसो विरजो ब्रह्मलो ये जीवन नृतम न माया चेत पिपलादृश् प्रश्न उपनिषद में छ जिज्ञासु को उपदेश किए छ उन्होंने कहा तुम लोग क्यों आश्रम में डेरा डाले पड़े हो के हम लोगों के प्रश्न अच्छा तो आश्रम में एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य वास करो और सेवा करो यानी एक बरस तक यहां ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आश्रम की सेवा करो जब एक वर्ष बीत जाएगा तो आप लोग प्रश्न कीजिएगा अगर मैं उत्तर जानता होऊंगा तो उत्तर दूंगा ऐसा लापरवाह हरिश और वह एक जिज्ञास एक बरस तक वो रह गए ब्रह्मचर्य वास उसे कहते हैं और आश्रम की सेवा करते रहे आज तो लोग आते खड़े खड़े प्रश्न का उत्तर दीजिए महाराज फुर्सत नहीं है गाड़ी खड़ी है दरवाजे पर झट से बैठना और लौटना है साल जब बीत गया तब उन्होंने बुलाया और प्रश्न जो किए उसका उत्तर दिया उपनिषद सौरभ में सब का वर्णन है उसी बीच में उन्होंने कहा ते शाम विरजो ब्रह्म लोको ना इस जीवन नृतम न माया चेत ते श्याम असो विरजो ब्रह्म लोको उसके लिए ब्रह्मलोक है ते साम उसके लिए असौ है विरजव रज रहित धूल रहित गर्दा गुब्बार रहित वहां गर्दा गुब्बार नहीं विरज, विरज का अर्थ है विकार रहित निर्मल ब्रह्मलोक उसके लिए निर्मल ब्रह्मलोक है ना इस जीवम नृतम न माया चेत जिसमें जीवम अनितम और माया नहीं है जीवम का मतलब है कुटिलता अनृत्यम का मतलब झूठ माया का मतलब छलकपट जिसमें कुटिलता नहीं सरल चित्त सरल मत उनके विमल स्वभाव बिमल, बिमल मत उनके सरल स्वभाव श्री विशाल साहब का वचन है विमल मत उनके सरल स्वभाव ये संत का लक्षण है निर्मल बुद्धि और स्वभाव सरल एक नीत के ग्रंथ में मैंने पढ़ा था कि सच्चे आदमी को समझना बहुत सरल है झट से समझ में आ जाते हैं कुटिल को समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो बाहर कुछ और भीतर कुछ अपना चेहरा बनाए रखता है सरल चित्त संत का लक्षण ही नहीं मानव का लक्षण है संत और मानव में फर्क नहीं है इसलिए साहेब ने कहा मानुस के नाम मुआ जो मनुष्य हुआ वृत्य को पाया साहेब तो संत भी नहीं कहना चाहते मनुष्य बहुत काफी है मनुष्य हो जाओ बस मानुष हुई के न मुआ मनुष्य हुआ है जो मननशील हो विवेकी हो तो सच्चा मनुष्य बनने के लिए सरल चित्त होना चाहिए और झूठ नहीं होना चाहिए और छल कपट नहीं होना चाहिए सरल मन सरल व्यवहार से बनेगा इसलिए पूजा जो की जाती है विविध मतों में अच्छा है पूजा करना बुरा नहीं है लेकिन असली पूजा समझना चाहिए पूरे जीवन की प्रक्रिया को सुबह से शाम तक जब तक जब तक हम जागते हैं यावत क्रिया को पूजा समझना चाहिए और बड़ी सावधानी से करना चाहिए दातुन करो सफाई से दातुन करते समय घूमो ना जूठा गिर सकता है एक जगह बैठ के दातून करो दातून चीर करके जहां तान ना फेंको कचड़े दान में फेंको ब्रश करते हो तो भी घूम घूम के नहीं एक जगह बैठ करके बैठ के खड़े होकर थुकनी जगह की जगह पर थुको हर जगह पेशाब न करो पेशाब की जगह पर पेशाब करो सफाई रखो बिस्तर से उठो तो साफ उसको बटोर करके कायदे से करीने से रखो उल जुल नहीं फटक खोर करके न चले आओ बंद कर दो ताला लगाने की आवश्यकता हो ताला लगा दो ये सब पूजा है जिसके जीवन में व्यवस्था होती है उसके अंदर में भी व्यवस्था होती है जो मोटा काम व्यवस्थित नहीं कर सकता है वो अंदर का काम क्या व्यवस्थित करेगा जो शरीर साफ नहीं रख पाता कपड़े साफ नहीं रख पाता है खान पान का व्यवहार साफ नहीं रख पाता है घर द्वार साफ नहीं रख पाता है जिसके बाहर के व्यवहार साफ सुथरे नहीं है भीतर कैसे सुथरा होगा ये अंदर का ही तो सिग्नल है बाहर वाला चिन्ह है इसलिए पूरे जीवन की प्रक्रिया को पूजा समझना चाहिए और उसको व्यवस्थित करना चाहिए बाजार जाते हैं दस सौदा लाना है चेष्टा से दसों सौदा देख करके ले करके आएंगे तो आपके चित्त में संतोष रहेगा वहाँ गए गपबाजी करने लगे लापरवाही किए कुछ सौदा लाए कुछ भूल गए पश्चाताप पच्च, होगा घरवाली की भी झिड़की आएंगे अब अगर मन लगा के काम किए उस सब सौदा लाए तो मन में संतोष होगा कमरे में ताला अगर लगाना चाहिए और नहीं लगाए यहाँ ध्यान में बैठे तो ध्यान करेंगे और फिर ख्याल होगा कमरे में ताला नहीं लगाए तो ध्यान तो बढ़िया नहीं होगा तो ताला लगा करके आना चाहिए ताला लगाने पर कुछ हो जाए हो जाए कोई बात नहीं तभी बात होगी भाई जो करना था कर लिया था इसलिए सारा व्यवहार पूजा है और ठीक ढंग से उसको जो करता है उसका मन ठीक रहता है मैंने बीच में कहा था कि जैसे कुछ गीली वस्तुओं में खमीर उठता है वैसे मन हमारा खमीर है जो व्यवहार से उठता है व्यवहार से बनता है जिसके व्यवहार में आपाधापी है स्वार्थ है उद्दंडता है उन्माद है मर्यादा विहीनता है लोलुपता है कभी सुखी नहीं होगा चीज़ों को बटोर करके लोग समझते हैं सुख होता है चीज़ों की जरूरत है थोड़ी जरूरत है इसकी भी तृष्णा छोड़नी चाहिए जो बहुत संग्रही हम होते हैं व्यक्तिगत जीवन के लिए जितनी वस्तुओं की आवश्यकता हो उतने रखना चाहिए और समाज की सेवा में परिवार की सेवा में लोगों की सेवा में देना चाहिए थोड़ी वस्तुओं की आवश्यकता है ज़्यादा ज़रूरी तो मन का है कि मन को ठीक करें और श्रृंगार जीवन भर चलता है खाने पीने कपड़े लत्ते मकान दुकान और शोभा और तमाम ताम झाम बढ़ाने की इसकी बात चलती है ज़्यादा दूसरे से हम आगे बढ़ जाएं बाहर से आगे बढ़ने की चेष्टा हो रही है भीतर का ख्याल ही नहीं जिसे कल्याण प्रिय है शांत प्रिय है आनंद अखंड आनंद प्रिय है परम संतोष प्रिय है वो आत्मविश्लेषण करें आत्मविश्लेषण अपने आप का विश्लेषण सुबह से शाम तक मेरे कर्मों की जो प्रक्रिया है कहां कहां त्रुटि है ऐसा भी जीवन है जिसमें बड़ी उलझन है वो कैसे करें उसमें भी जितना बन सके सुधार करें कुछ पेशे ऐसे होते हैं प्राय वकील लोग पूछते हैं हम क्या करें उसमें भी जितना बन सके सुधार करें जो सही वकील होता है वो किसी को नाजायज अधिकार दिलाने वाला काम नहीं करता है ऐसे लोग जबरदस्त हैं कि काफी जमीन है किसी की और निर्बल पक्ष है वकील से मिलते हैं इतने लाख रुपए आपको देंगे और ऐसा काम करवाओ वो षडयंत्र रचते हैं और कब्जा कर लेते हैं और कानूनन भी कुछ अपना काम शुरू हो जाता है काफी रुपया लेते हैं अच्छा वकील ऐसा नहीं करता है हक दिलाने की चेष्टा करता है हक दिलाने में झूठपुर कुछ चलता है तो वहां भी अच्छाई का स्तर है व्यापार है बहुत झंझाल है आवाज आज के युग में इतना कंपटीशन है लेकिन उसमें भी सब व्यापारी एक समान नहीं है एक व्यापारी मुझे सिखाता था दूसरे के लिए कि साहब कितना धन उनके है बुढ़ा गए हैं मैं उनसे कहता हूँ कि बाबू अब तुम ये काम न करो सही वाला काम करो ये ना करो और मुस्कुरा के रह जाते चंदन लगा के बैठते <coughs> माला पहने रहते चंदन लगाए रहते हैं गोरे गोरे बड़े सुंदर देवता के समान दिखाई देते हैं <laughs> और बहुत ठगते हैं वही काम वो भी करता था तो कैसा हम तो बहुत दिन से छोड़ दिए अब सही करते हैं और उसमें जितना मिलता बड़ा संतोष रहता है लेकिन वो छोड़ नहीं रहे हैं और मैं कहता हूं लड़के बच्चे हैं वो आप तो बहुत धनी हैं तो जब मैं कहता हूँ मुस्कुरा के रह जाते हैं तो व्यापार में भी सुधार है हर जगह है तो ऐसे जंजाली स्तर जरूर है जहां पर उलझने ज्यादा हैं लेकिन उसमें भी सुधार के रास्ते हैं जो जिस श्रेणी में हैं अपने को संभालने की चेष्टा करें यहां की उन्नत कुछ काम नहीं देगी यहां की उन्नत यही नहीं काम देगी बहुत कुछ बढ़ा है और गलत तरीके से अगर हम रह रहे हैं तो चित्त में अशांति बनी रहेगी बाहर पुजाई होगी प्रतिष्ठा होगी धन दौलत रहेगा अंदर खोखला रहेगा तो क्या मतलब हुआ उन्नत का क्या अर्थ है अंदर भरा भरा हो बाहर से भरा भरा लगता है अंदर खाली खाली है हरदम अभाव असंतोष खिन्नता उद्वेग झींक साथियों के प्रति झिड़की ये क्या इसका मतलब क्या है माँ बाप के प्रति बाल बच्चों के प्रति शिष्यों के प्रति साथियों के प्रति उलझे उलझे तो इसका लक्षण क्या है ये नहीं, ये लक्षण किस मूल बात की तरफ निर्देश करते हैं अंदर में गड़बड़ी है जब अंदर में ठीक हो जाएगा उद्वेग नहीं होगा किसी गलती होगी तो प्यार से समझाया जाएगा गलती किसमें नहीं होती है? किसका सिर है जो कह दे कि मुझसे गलती कभी नहीं होती छोटी छोटी गलती हो जाती बोलने में बरतने में बात करने में कई बार निर्णय लिया जाता है ये काम करना चाहिए इस ढंग से करना चाहिए चार घंटे के बाद लगता नहीं इस ढंग से करना चाहिए तो अपने में हो गया कि हम जो समझ रहे थे गलत समझ रहे थे इसलिए साथियों से राय बात करना चाहिए अहंकारी लोग साथी से राय बात नहीं करना चाहते हैं। हमारी बात चलेगी वो गलत है राय लेना चाहिए अपने मन को संभालने के लिए हमें अपने व्यवहार को संभालना है व्यवहार मात्र पूजा समझना है खाने पीने बोलने बरतने व्यापार धंधा रोजी रोटी का धंधा और जो कुछ भी जीवन में क्रियाएं होती हैं सब में सावधानी की जरूरत है ये चैतन्य मनुष्यों का जो बर्ताव वही सबसे जटिल है इसीलिए मैंने उसमें कहा कि श्रद्धा स्नेह और प्रेम इन तीनों का बर्ताव जब होगा सब सुधर जाएगा जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है उसके प्रति हम उदासीन कैसे होंगे जिसके प्रति स्नेह है उससे हम घृणा कैसे करेंगे जिसके प्रति प्रेम है उसके हक को हम कैसे मारेंगे इसलिए श्रद्धा प्रेम स्नेह ये सब अगर बुनियाद में है तो हमारे सब कर्म सही होंगे कर्म सही होंगे तो मन सही होगा मन सही होगा तो जीवन सही होगा अब ऐसा मन ही ध्यान में जल्दी प्रवेश करता है थोड़ा समय का भी ध्यान बहुत लाभकारी होता है और जिसका व्यवहार ही गड़बड़ है मन चंचल है उद्वेगित है तो क्या समाज में पहुंचेगा बैठा भले रहे ये भी ठीक है कि मान लो कोई ऐसा ही है तो बैठना तो शुरू किया लेकिन उसको बुनियाद पर ध्यान देने की आवश्यकता है व्यवहार से मन बनता है और फिर उलटकर मन से व्यवहार बनता है बढ़िया मन होता जाएगा व्यवहार और बढ़िया होता जाएगा बढ़िया व्यवहार होता जाएगा मन और अच्छा होता जाएगा और अच्छे मन से फिर अच्छा व्यवहार बढ़ता जाएगा तो एक दूसरे को बल देते हैं इसलिए व्यवहार और मन इन दोनों का संतुलन होना चाहिए तराजू से हम तोलते हैं एक तरफ बाट एक तरफ सामान जब डाणी सीधी रहती है तो सही नाप माना जाता है इसी प्रकार हमारा मन और व्यवहार जब संतुलित रहता है तब जीवन सही माना जाता है कौन ध्यानी है कौन परमार्थी है कौन साधक है कौन भक्त है संत है ये कपड़ा और वेश से नहीं जाना जा सकता है व्यवहार से जाना जा सकता है और व्यवहार से अपने को जाना नहीं दूसरे के जाने के चक्कर में न पड़िए दूसरे का आप समझ नहीं पाएंगे घृणा कर लेंगे अब किसी में बहुत सदगुण है कोई त्रुटि हो गई थोड़ी सी तब तो आप मान लेंगे बहुत बुरा है वो अब त्रुटि उसको छोड़ देता है वो सही हो जाता है अब आप माने बैठे हैं इसलिए दूसरे को समझने के चक्कर में न पड़ना चाहिए अपने को समझना चाहिए जहाँ तक साथी संबंधियों का है तो उनको ये समझना पड़ता है कि उनको चलाना पड़ता है निभाना पड़ता है उस दृष्टि से उनको समझना अच्छा है लेकिन बहुत गहराई में उतर करके दूसरे को हम नहीं समझ सकते हैं अपने को हम समझ सकते हैं क्योंकि मन हमारा हमारे सामने है मन को समझ लेना पूरे जीवन को समझ लेना है मन बड़ा महत्वपूर्ण है बड़ा महत्वपूर्ण है और मन के तरफ इतनी उदासीनता मनुष्य को है केवल धन जन प्रतिष्ठा पद इसी की होड़ मची हुई है मन का किसी को ख्याल नहीं दुर्लभ लोग हैं जो मन पर ध्यान देते हैं और जहां तक है पीड़ा बस मन की अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं समझदार हैं विद्वान हैं ऊंचे पदों में हैं और मानसिक पीड़ा कहते महाराज मन शांत नहीं होता मन उद्वेगित रहता है मन में विश्राम नहीं है मन में विश्राम नहीं तो क्या है कौन सा फल है इसलिए आप लोगों का जो ध्यान है ये ध्यान विवेक में ढलना चाहिए हर समय मन निर्मल रहे और उससे आप काम करें और जब निर्मल मन से काम करेंगे जब ध्यान में जाएंगे तो ध्यान में भी बड़ी सरलता से पहुंचेंगे <coughs> अब दरम्यान तो कुछ होना ही चाहिए समय झट से कोई सिद्ध नहीं होता है कुछ दिन ध्यान किए सत्संग किए अध्ययन किए संतों के पास आए गए लेकिन मन में विकार उठते हैं तो घबरा गए तो कहीं कुछ नहीं होता है समय लगता है और उसके साथ साथ जोर जितना होगा उतना जल्दी काम होगा तीव्र संवेग होगा साधना में तो जल्दी काम सफल होगा पूर्वक करेंगे तो धीरे धीरे होगा। तो गति क्या है और समय समय भी लगता है एक ही काल में कोई सिद्ध नहीं होता है सच्चे मन से लग जाए आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता पक्की है व्यवहारिक क्षेत्र में तो सफलता असफलता दोनों चलती रहती है अवंत में सब का सब डूब जाना है ये समझ लीजिए भौतिक उन्नति सब का सब डूब जाना है शरीर गया सब गया शरीर रहते रहते अपना बनाए बहुत कुछ खो जाता है तो वो तो रहने वाला नहीं लेकिन उसके लिए भी करना पड़ता है जीवन है चलाना है अस्थाई जो उन्नति है वो आत्म उन्नति है और पक्का है उसमें आप बिल्कुल दृढ़ कर लें कि सफलता होगी बस मन से लग जाए क्योंकि इसमें अपने विकारों को हटाना है मनोविकारों को हटाना है गलत कर्मों को हटाना है स्वभाव को सुधारना है और इसमें हर इंसान को स्वतंत्रता है भौतिक चीजों की उपलब्धियों में परतंत्रता है जितना हम चाहते उतना नहीं उपलब्ध होगा उपलब्ध चीजें भी खिसक जाएंगी धन आता है जाने के लिए संयोग होता है वियोग के लिए जवानी आती है खिसक जाने के लिए हम लोग यहाँ आसनों पर बैठे उठने के लिए यहीं बैठे कैसे रह सकते हैं तो दुनिया की चीज़ें चल विचल हैं साजी की चीज़ें हैं उसमें सर्वथा सफलता मुश्किल है और जो सफलता मानी भी जाती है कुछ समय के लिए है फिर अंत में खो जाने वाली है लेकिन आध्यात्मिक सफलता पक्की है और हो गई तो सदा के लिए है हमें विश्वास करना चाहिए कि अगर हम आज ठीक हैं तो शरीर छूट जाने के बाद भी ठीक रहेंगे अब आज गलत हैं तो तब भी गलत रहेंगे इंग्लिश हिंदी संस्कृत बंगला अनेक भाषाओं के पढ़ने वाले लोग सो जाएं तो भाषाएं लुप्त नहीं हो जाएंगी जब वो जागेंगे तो अपनी अपनी भाषा में बोलेंगे मर जाना कोई तत्व का अभाव नहीं है सत्ता का मिट जाना नहीं केवल वियोग है और जो कुछ आज हम करते हैं उसका परिणाम सामने आएगा इसलिए आज अगर आध्यात्मिक हमारी उन्नति हुई तो ये अक्षुण है स्थिर है सदा रहेगी और भौतिक उन्नति तो कितनी बड़ी हो आई और गई देखो लोग देश का हमारे भारत देश का जो सबसे बड़ा पद है व्यवहारिक वो प्रधानमंत्री का है लेकिन पंद्रह प्रधानमंत्री पद से हटे हुए कई प्रधानमंत्री बैठे हैं जो अपने कमरों में हैं उनको है बेचारे और उनका कुछ ऐश्वर्य जब नहीं है उनके कलम से अब कुछ होने जाने वाला नहीं है ऐसे सब समझ लीजिए व्यवहार से मन बनता है मन से व्यवहार बनता है इसलिए व्यवहार और मन दोनों को सुंदर बनाने की चेष्टा करनी चाहिए अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम

अजराहम अमरहम अखंडम अनूपम अजराहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम् शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमरहम अहम् शुद्ध अहं ममम अखंडम अनूपम अहम् शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम् ममम अखंडम अनूपम अहम् शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम् अमरहम् अखण्डम् अनूपम्